स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन किसी का भी अपने मन मुताबिक फॉर्मूला बना के कैसे लगाएं, वो भी MX Excel में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे MS Word में एक फाइल तैयार कर ली है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं और उनके मार्क्स लिख दिए हैं हिंदी में, जैसे कि अपने रिपोर्ट कार्ड में लिखे होते हैं ना। तो उसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपको ये सारे इन सबको ऐड करना है और यहाँ पर लिखना है, या इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, जो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो आप वो आसानी से कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एडिशन के लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों एडिशन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो करके। इक्वल प्लस और जहाँ पर डॉट है वहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है, ये नंबर, फिर प्लस नेक्स्ट नंबर, प्लस नेक्स्ट, प्लस नेक्स्ट, प्लस प्लस ये। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इन सब का आपको सम चाहिए, तो आप इक्वल करके इंटर प्रेस कर दीजिए और देखिए जैसा ही मैं इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर ये पूछेगा कि आप इस फॉर्मूले को इसमें लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो ये देखिए ये मेरा एडिशन हो गया है। अगर आपको यही फॉर्मूला नीचे की बाकी सब में लगाना है तो आप यहाँ पर जाइए और ये जो है ये यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और ऐसे नीचे ले आइए। तो आपको जहाँ तक इस फॉर्मूले को पुट करना है आप उतनी नीचे तक लाइए और छोड़ दीजिए। मैं यहाँ तक करके छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए ये फॉर्मूला इन सब पे पुट हो गया है। सिर्फ एडिशन का ही नहीं, आप ऐसे और भी फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, शुरू के इन दो को मल्टीप्लाई करना है और बाकी को इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, या जो भी आपको करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इक्वल, ये आप याद रखिए, हमेशा सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर इसके बाद प्लस या जो भी आपको करना हो, मैं इसको करके बताता हूँ। प्लस सिलेक्ट, मैंने इसको कर लिया। अब मान लीजिए इसको मुझको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए इसको मुझे उससे फिर से ऐड करना है, तो मैं इसको ऐड करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसको मुझे फिर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको जो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब मान लीजिए इस सारे को मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड का साइन लगा के इसको सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं इक्वल का साइन लगा के इंटर प्रेस कर दूँगा। इंटर प्रेस करते ही मुझसे फिर से पूछेगा कि डू यू वांट टू पुट दिस फार्मूला, और ये तो हम यहाँ पर सिलेक्ट यस कर देते हैं। यस करते ही आप देखिए दोस्तों ये फार्मूला पुट हो गया। और मान लीजिए ये फार्मूला फिर से आपको नीचे पुट करना है, इसको पकड़िए और नीचे ले आइए। तो ऐसे आप अपने मन मुताबिक कोई भी फार्मूला बनाकर पुट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें।